नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मुरदर क्लासेज पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के बारे में, जो अभी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो संपूर्ण जानकारी देने वालों, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या योग्यता रहेगी और क्या उम्र एज वगैरह का सारा डिटेल इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और क्या पद रहेंगे, क्योंकि 3700 पदों की तो अभी बात चल रही है, पहले 1420-2200 पदों की बात चल रही थी, अब 1400 पदों की और बात चल रही है। तो क्या सच है क्या झूठ है, सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। तो दोस्तों RMSS जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जो कर्मचारी सेवा बोर्ड है, उनकी तरफ से ग्राम सेवक भर्ती 2021 की जो भर्ती है उसका सिलेबस वगैरह सारी जानकारी इसमें देता हूँ। राजस्थान में जल्दी ग्राम सेवक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। पहले ग्राम सेवक भर्ती 2020 लगभग 2261 पदों पर थी, आने वाली थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के अनुसार अपडेट आ रहा है कि ग्राम सेवक भर्ती 1427 पद पर और जोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान में जल्दी 3700 से अधिक पदों पर ग्राम सेवक भर्ती देखने को मिल सकती है। यहाँ हम बात करेंगे कि RSMSSB ग्राम सेवक भर्ती 2021 का सिलेबस क्या रहेगा। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 का सिलेबस हम पिछली भर्ती के आधार पर ही दोस्तों आपको बताने वाले हैं। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 का नया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और आधिकारिक वेबसाइट पर के लिए अभ्यर्थियों को समय समय पर आपको वहां पर जाना है और विजिट करते रहना है। जो RMSS बोर्ड की साइट है उस पर जाना जरूरी है, रोज़ाना जाते रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी विज्ञप्ति जारी होने ही वाली है। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न इसे बता रहे हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे इसके माध्यम से कि राजस्थान ग्राम सेवक 2021 के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन एवं समकक्ष RCIT होना चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, और आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष होनी सही है। जबकि आरक्षित वर्ग को निम्नानुसार आपको छूट भी दी जाती है। राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 में सिलेबस व एग्ज़ाम पैटर्न लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आपको वहां पर विजिट करते रहना चाहिए वेबसाइट पर। तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना जरूरी है। स्नातक पास नहीं है और अंतिम वर्ष में है तो भी आपका लगभग फॉर्म भरा जा सकता है। और दोस्तों राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में RCIT कोर्स का प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम आपके पास में जरूरी होना चाहिए, जो भी मार्कशीट बोली जा सकती है RCIT की, तो वो होना जरूरी है RCIT कोर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र में सभी बहुउपयोगी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। और परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, और इनमें SC ST और OBC में शायद छूट भी मिल सकती हैं। अब दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न रह जाता है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस बता देते, समसमय की विषय रहेगा, जिसमें राज्य का होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समसमय की सरकारी विषय, घटना और क्रीड़ा, क्रिकेट खेल वगैरह सारी यही जानकारी रहने वाली है। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, जो कि भारत का भूगोल रहेगा, विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान पर्वत और महासागर वो तो रहने ही वाले हैं। राजस्थान पुलिस और पटवारी का जो
सिलेबस रहता है पटवारी वाला, वही सिलेबस इसमें रहने वाला है दोस्तों। राजस्थान की परिस्थिति की और वन्य जीव रहेंगे, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं ये रहने वाली है। तो इसके अंदर दोस्तों अर्थशास्त्र भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि सूखा अकाल वगैरह ये अर्थशास्त्र में आ जाता है या आपदा प्रबंधन में आ जाता है, तो वही रहने वाले हैं। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन रहेंगे खान, खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण ये रहने वाले हैं। अगले भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में साथ कृषि एवं आर्थिक विकास भी रहेगा, जिसमें राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, मरुस्थल एवं बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, व्रत उद्योग, जनजातियां और अन्य उनकी अर्थव्यवस्थाएं ये रहने वाली हैं। और इतिहास और संस्कृति में निम्नलिखित में विशेष संदर्भ के साथ आपको यहाँ पर राजस्थान के मुख्य स्मारक दिए गए हैं, साहित्य, कृति, इतिहास और संस्कृति रहेगी और जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्थाएँ रहेगी, बोलियाँ और साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशालाएँ, धार्मिक आस्था संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियाँ यही रहने वाले हैं। हस्तशिल्प, मेले और त्यौहार, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज रहेंगे, वस्त्र आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशेष संदर्भ में संहिता रहेगी। और साधारण मानसिक योग्यता तो रहने वाली है दोस्तों, रीजनिंग जिसको बोल सकते हैं, तार्किक और विश्लेषण, और अंग्रेजी, हिंदी और गणित ये तीनों ही रहेगी दोस्तों। मुख्य रूप से हिंदी, इंग्लिश और गणित 10वीं तक के स्तर की रहेगी, जो कि पटवारी वाला सेम सिलेबस रहने वाला है। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा रहेगा, जिसमें राजनीतिक कह सकते हैं आप, जो अर्थव्यवस्थाएँ 73वां और 74वां संविधान संशोधन, नागरिकता वाला, और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान तो ज़रूरी है दोस्तों। कंप्यूटर के प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं, जो कि राजस्थान पुलिस के अंदर भी आ गए थे। राजस्थान पुलिस के अंदर सिर्फ ये सोच सकते हैं कि उसके अंदर गणित नहीं थी और हिंदी इंग्लिश नहीं थी, इसके अंदर गणित और हिंदी इंग्लिश को ऐड कर लिया गया, तो सिलेबस तो बहुत ही भारी दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अभी से आप तैयारी में लग जाएंगे तो इसका सिलेबस कवर कर पाएंगे दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता तो आपको बता ही दी है कि 2019 के लिए आपको ग्रेजुएट और RCET कोर्स होना ज़रूरी है, और आपकी आयु जो कि 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी ज़रूरी है। और ग्राम सेवक भर्ती 2020 का सिलेबस भी जल्द ही जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस के लिए अभी भी डिफरेंट है। ये तो हमने पिछली साल का बताया आपको कि पिछली साल में इस प्रकार का सिलेबस था, और इस प्रकार अनुमान लगाते कि इससे बाहर तो जाने वाला है ही नहीं, और इसके अंदर क्या ऐड करते हैं या क्या घटाते हैं ये देखना है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टाइप करने के बाद में आप उस वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहना, एक दो तीन के बाद में। RMSS राजस्थान गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट है, और इसी के ऊपर जो कि राजस्थान पटवारी और राजस्थान ग्राम सेवक, सारी जानकारी यहीं पर आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।